और इसके अंदर सारा मुआशरा जिम्मेदार है, पेरेंट्स जिम्मेदार है, मुआशरा जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, हुक्मरान जिम्मेदार है कि वाई डिडंट दे प्रोवाइड अ टोटल सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम एज एन इंप्लीमेंटेशन, नॉट जनरलाइजेशन स्टेटमेंट्स, नॉट फ्लावरिंग स्टेटमेंट्स, टू इंप्लीमेंट वेयर इज द सिस्टम, द ब्लूप्रिंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु लेड टू द फोर गाइडेड कैलिफेट्स एंड दे प्रूव्ड इट. They proved it and showed to the rest of the world that how should we rule according to the blueprint of Prophet Muhammad, peace be upon him. But unfortunately, we have everything, we had everything, but we do not know what to do. We are embarking on a ship without a course and without a sailor. The jahan marzi ship le gayi, wherever the, you know, these waves will take you, tides will throw you, you're gonna go there, that's it. A ship without a course and a sailor. So, when this position or condition is there, then there will be confusion, hi hogi na, skepticism. When the base is weak from inside, then the tree or its shaakh will break, your tribe will kill you from your tribe. The tree will become a shaakh of nazuk, which will not become a shaakh of nazuk, it will not become a shaakh of nazuk. If the shaakh is nazuk, then the shaakh will become a shaakh of nazuk. पहले अपनी शाखों को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आइडियोलॉजीज को स्ट्रॉन्ग करो, फिर कोई भी चीज तुम्हारे साथ टकराएगी तुम घबराओगे नहीं. सवाल अशकाल हर इंसान के पास आएंगे, हर इंसान के सोचता है, घबराता है, परेशान से, पार्ट ऑफ योर फंक्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ योर डायनेमिक्स, अल्लाह ने क्रिएट कर दिया आपके अंदर. ऑल ह्यूमन बींग्स आर लाइक दैट, कोई से मावरा ऊपर नहीं, कोई नहीं है, कोई एक्सप्रेस करते हैं, कोई एक्सप्रेस नहीं करते, दैट्स ऑल. Skepticism, शक शक शक, जब skepticism इंसान के साथ बाहर हो जाए तो फिर वो बन जाता है atheist. Atheist कहते हैं दहड़िए को, मतलब वो कहता है God and gods with plural, they do not exist at all. कोई शक exist नहीं करती, everything has been there for some kind of mysterical accident, some kind of unexplained accident. आप इसको क्या करेंगे, अब इसका प्रूफ क्या है, कुछ नहीं. ये एथियस्ट मुझे कह सकते हैं कि आपने जो आयत पढ़ी थी, आपके पास क्या प्रूफ है, आपने क्या तहकीक की, आपको भी तो जवाब देना, तहकीक क्या की, ये मेरा जो वजूद है, जो मुझे अल्लाह ने कहा, सुनना, आंख, दिल, फीलिंग्स, कॉन्शियस लेवल, मेरा अंदर लेवल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एविडेंट, ये एविडेंस जो मेरे अंदर है, ये मेरी खुद शनासी, खुद निगरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यही तो प्रूफ है मेरा कि मैं कहां से आया, मेरे किसी ने बनाया है, मेरा सेल्फ एग्जिस्टेंस ही मेरा सबसे बड़ा प्रूफ है, ये मेरा प्रूफ है. अब तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम्हें किसी ने नहीं बनाया, जबकि तुम देख रहे हो, आईने में जाओ और अपने आप को शेखो, अपनी शक्ल देखो, तुम आईने में खड़े होकर बताओ तुम कहां से आए. इसका जब जवाब ला दोगे तो फिर हम आगे तहकीक करेंगे, लेकिन जब तक तुम्हारे पास इस चीज का जवाब नहीं है, हमें हॉलीवुड की पिक्चर्स नहीं चाहिए, हमें प्रोमीथियस के आइडियाज नहीं चाहिए, जब तक तुम्हारे पास खुद एक सर्टेन नॉलेज नहीं होगा तब तक अपनी प्रीचिंग बंद कर दो.